यस फ्रेंड्स, हम लोग वेक्टर्स का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं और आज पढ़ रहे हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, अगर दो ही वेक्टर्स ऐड करने हैं तो ट्रायंगल लॉ से ऐड कर सकते हैं। इट इज अ ज्योमेट्रिकल मेथड। एक होता है एनालिटिकल मेथड यानी फॉर्मूला मेथड, और एक है बस ये ज्योमेट्रिकल मेथड। हम यही बात करते हैं कि सपोज अ पर्सन गोज फर्स्ट अलोंग ए बी एंड देन अलोंग बी सी। अवर एम इज टू फाइंड resultant displacement. Our aim is to find resultant displacement. Resultant displacement r, हम वेक्टर r निकालना चाहते हैं जो ए बी के चलने से और बी सी के चलने से हुआ, उसका जो इफेक्ट है वो एक सिंगल वेक्टर से अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे रिजल्टेंट कहते हैं, है ना। इफेक्ट ऑफ वेक्टर ए बी एंड वेक्टर ए बी बी सी इज टुगेदर सेम एज दैट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ए बी जो भी दो वेक्टरों के जो दो वेक्टरों से हो रहा है वो किसी एक अकेले से हो जाए तो उस अकेले वेक्टर को हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। ये सिचुएशन है कि पर्सन एक आदमी पहले सपोज यहां जाता है ए बी के अलावा, फिर मे बी वो जाता है बी सी के अलावा। तो बस मुझे अब यही जानना है कि वो उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या है। स्टार्ट हुआ था उसने ए से और फाइनली वो सी पे है, तो मुझे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो मैं वेक्टर फॉर्म में वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी को वेक्टर आर कहूंगा। मुझे नहीं पता अभी कि इनका रिजल्टेंट क्या है, पर इन दोनों का रिजल्टेंट जो भी है मैं उसी को आर कहूंगा, क्योंकि जो इन दोनों से हो रहा है वो किसी एक अकेले से हो जाएगा। जो अकेला ये दोनों के बराबर इफेक्ट क्रिएट कर पाए उसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे। ओके, पर्सन जो है हमने कहा लेट द पर्सन मूव फर्दर अलोंग सी ए बी में गया था, बी सी में गया था, फिर सी ए में आया। अब पर्सन इज बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ऐसे केस में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू जीरो। जब पर्सन वापस घर आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होता है। इन दोनों को मैंने कह दिया आर, आर प्लस सी ए इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये जो आर है, इसका मतलब ये जो आर है ये है माइनस वेक्टर सी ए, और माइनस वेक्टर सी है इसको मैं पलट के ए सी लिख सकता हूं। डायरेक्शन को रिवर्स करनी है मुझे, ठीक है। इसका मतलब ए बी प्लस बी सी जिसे हम आर कह रहे थे, हमने कहा था आर, अब इसे कहेंगे ए बी प्लस बी सी के रिजल्टेंट को, वो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। ये ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ये ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स है। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टेटमेंट देख लेते हैं, इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। ये स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं आपको, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। ये दो वेक्टर्स हैं ए बी और ये बी सी, और ये है इनका रिजल्टेंट ये। तो सेम ऑर्डर से हमारा मतलब है जहां एक का हेड है वहां से दूसरे की टेल शुरू हो जाए। सेम ऑर्डर मींस एक का जो हेड है वहीं से दूसरे की टेल शुरू हो जाए। सेम ऑर्डर का मतलब है कि आप जब यहां से यहां जा रहे हैं ना तो आपको पेन ना उठाना पड़े, यहां गए यहां गए,
पर अब आपको पेन उठाना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक आपने पेन नहीं उठाया, और अब आप उल्टे ऑर्डर में आना है ना, तो आपको पेन उठा के यहाँ से यहाँ गए, पेन नहीं उठाया, फिर उल्टे ऑर्डर में आने के लिए आपको पेन उठाना पड़ा। तो सेम ऑर्डर मतलब ऐसे, जैसे सेम, ये दोनों मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज इधर के रिस्पेक्ट, इसके रिस्पेक्ट में दोनों एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज। जब एक का हेड और दूसरे की टेल मिलते हैं तो वो सेम ऑर्डर में होते हैं। जब टेल से टेल मिलते हैं या हेड से हेड मिलते हैं, ये रिवर्स ऑर्डर में होता है। तो बस यही रूल है कि अगर दो वेक्टर्स को आप ऐसे डिनोट कर रहे हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। और ये जो थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल है, इसकी लेंथ आप नाप लें, तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, और उसकी डायरेक्शन जो भी है वो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन। वेक्टर अगर हम ऑब्टेन कर रहे हैं, हमारा आंसर एक वेक्टर है, तो हमारे पास उसमें मैग्नीट्यूड की और डायरेक्शन की कंप्लीट जानकारी हमको मिलनी चाहिए। दस ईच साइड ऑफ अ ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स रिजल्टेंट ऑफ अदर टू साइड्स इज प्रॉपर एरोस आर मार्क्ड। एक ट्रायंगल की थर्ड साइड बाकी दो का रिजल्टेंट होगी। बस आपको ये ए है, ये बी है, ये सी है, फिर से ये ए है, ये बी है, सी है, और फिर से ये ए है और ये बी है और ये सी। एक बार मेरे को ए रिजल्टेंट चाहिए, एक बार मेरे को बी रिजल्टेंट चाहिए, और एक बार मेरे को सी रिजल्टेंट चाहिए। तो इन पर प्रॉपर एरोज मार्क करो। ए रिजल्टेंट एक बार चाहिए बी और सी का, बी रिजल्टेंट चाहिए ए और सी का, और फिर सी रिजल्टेंट चाहिए ए और बी का। ठीक है, अगर मेरे को ए रिजल्टेंट चाहिए तो मैं बी और सी को ऐसे ले लेता हूँ और ए को ऐसे ले लेता हूँ। ये दोनों सेम ऑर्डर में ले लिए और ये ऑपोजिट ऑर्डर में ले लिया, तो वेक्टर ए की इक्वेशन आ गई वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अभी अगर मेरे को बी रिजल्टेंट चाहिए तो मैं ये दोनों सेम ऑर्डर में ले लेता हूँ और ये उल्टा आके खड़ा हो गया, तो इस समय वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी इज इक्वल वेक्टर बी। पहले ए सेम ट्राइंगल बनाया है मैंने, वो थोड़ा बड़ा बन गया है, पर बेसिकली सेम ट्रायंगल बनाया है। पहले बी और सी का रिजल्टेंट ए था, अब ए और सी का रिजल्टेंट बी है, और अब मैं सी को रिजल्टेंट चाहता हूँ, सी को रिजल्टेंट चाहता हूँ, तो मैं इनको ऐसे मार्क कर सकता हूँ, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। सेम ट्राइंगल में हर साइड बाकी दो का रिजल्टेंट है, आप बस ऑर्डर प्रॉपर ले लीजिए। Each side of a triangle represents the resultant of the other two. ये next question है आपके सामने, geometrically find the resultant of following vectors. ये दो vectors आपको दिए हैं, आपको geometrical method से इनका resultant find करना है, क्योंकि दो vectors हैं, इसलिए शायद आप triangle law और vector addition इस्तेमाल करेंगे। पर ये ध्यान रखिए, triangle law के लिए ये जरूरी है कि दोनों पहले same order में हो। First, we should bring them in same order. That is, the head of one should be on the tail of other. तब वो सेम ऑर्डर में आ गए हैं, ऐसा हम कहते हैं, और ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि a vector can be displaced parallel to itself. So, लिख दीजिए, displace a vector parallel to itself. Displace one of the vectors. One vector parallel to itself so that they are arranged in same order. So that they are arranged in same order. उसके बाद जो थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल होगी ना, टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, वो रिजल्टेंट बता देगा। ये थोड़ा क्रिएटिव काम है, ये मैकेनिकल काम नहीं है। अगर हमें फॉर्मूलेज यूज करेंगे ना, तो फॉर्मूला एक मैकेनिकल काम है, उसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता। वो मेथड्स हमेशा एग्जाम हॉल के लिए तो सेफ होते हैं जिनमें दिमाग ना लगाना पड़े, इनमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। बस इतना सही दिमाग लगाना है कि किसी एक वेक्टर को खुद के पैरेलल डिस्प्लेस करें, और जहां एक का हेड है वहां दूसरे की टेल रख दें, और फिर थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल बना लें ऑपोजिट ऑर्डर में। देखिए, जो पहला फिगर है, 90
नाम दे देते हैं कन्वीनियंस के लिए, इसको वेक्टर ए का नाम दे देते हैं, इसको वेक्टर बी दे देते हैं। अभी ए को तो मैं ऐसा ही रहने देता हूं, पर बी को यहां ले आता हूं, तो अब क्या देख रहा हूं मैं कि नाउ मैंने उन्हें सेम ऑर्डर पे अरेंज कर दिया, इसको इसके पैरेलल डिस्प्लेस किया। अ वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस पैरेलल टू इटसेल्फ, अगर इसको इसके पैरेलल डिस्प्लेस कर लूंगा ना तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और अब ये जो थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल है ये रिजल्टेंट है, काफी बड़ा रिजल्टेंट आ रहा है। इस केस में मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, ए को तो मैं ऐसा ही बनाता हूं और बी को यहां से उठा के यहां रख देता हूं, और ये रिजल्टेंट है थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। इस केस में मैं इसे ए मान लेता हूं, इसे बी मान लेता हूं, ए तो यही है पर बी को मैं इसके पैरेलल उठा के यहां ले आता हूं, ये बी ले आता हूं, अभी ये रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, आंसर तो आ गया, मैकेनिकली आया, हमने एक वेक्टर को स्वयं के पैरेलल डिस्प्लेस किया ताकि ए और बी सेम ऑर्डर में तो आ जाए। मेरे पहला रिक्वायरमेंट है ट्राइंगल लॉ का, दे शुड कम इन सेम ऑर्डर। बी को उठा के मैं यहाँ लाया, बी को उठा के यहाँ लाया, बी को उठा के यहाँ लाया, या मैं हर केस में ए को भी डिस्प्लेस कर सकता था, इन सभी केसेस में मैं ए को भी डिस्प्लेस कर सकता था, वो मैं करता हूं। बस पहले आप ये ध्यान दे लीजिए कि अगर दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल मिनिमम है, ये एंगल मिनिमम है, ये जब ये हेड टू हेड, जब ये हेड टेल टू टेल मिल रहा है ना, जो एंगल हमने दिखाया है इसको बाद में डिफाइन करेंगे, जो एंगल हमने दिखाया है जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल मिनिमम होता है तो उनका रिजल्टेंट ज्यादा आता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात लिख दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट बात है, तीन स्टार दे दीजिए, एज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स गोज ऑन इंक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट goes on decreasing as the angle between the two vectors goes on increasing। यहाँ angle सबसे कम है, यहाँ resultant ज़्यादा है, यहाँ angle बढ़ गया तो resultant छोटा हो गया, यहाँ angle और बढ़ गया तो resultant actually इससे भी छोटा बन रहा है। ये जो triangle मैंने बनाया है ये इससे भी छोटा बना है, ये side थोड़ी बड़ी है, ये छोटी है। अगर इसे theta कह रहे हैं तो, अगर इसे theta कह रहे हैं तो, हम इसको theta नहीं कह रहे हैं, जब एक का हेड दूसरे की टेल से मिल रहा है ना, ये इसको थीटा नहीं कह रहे, इसे हम बाद में लिखवाएंगे, डिफाइन करेंगे। ध्यान दीजिए कि अगर इसे थीटा कह रहे हैं तो फिर हाँ, जैसे जैसे दो वेक्टर्स के बीच में एंगल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उनका रिजल्टेंट कम होता जा रहा है। मैं इन सारे केसेस में अब ए को डिस्प्लेस करके देखता हूं, बी को तो मैं यही रहने देता हूं, बी जहां भी रहने देता हूं, ए को मैं इसके पैरेलल डिस्प्लेस करके देखता हूं, ए को मैं यहां रख देता हूं, ये दोनों सेम ऑर्डर में हो गए, एंड द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट। ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है, यहां ऐसा, ये वेक्टर बी है, फिर ये वेक्टर ए है, ए को उठा के मैं यहां ले गया, रिजल्टेंट बड़ा काफी बड़ा आ रहा है। अभी मैं बी को तो यही लिखता हूं पर ए को उठा के यहां ले आता हूं, या मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि बी को तो यही रखो, बी को तो यही रखो और सेम ऑर्डर में लाना, नहीं यही करना पड़ेगा। ठीक है, बी को अगर मैं नहीं ला रहा तो फिर मैं ए को मुझे यही लाना पड़ेगा। और थर्ड केस में अभी ये रिजल्टेंट है रिवर्स ऑर्डर में, और थर्ड केस में बी को तो मैं यही रख रहा हूं, बी को तो यही रख रहा हूं, ए को यहां ले आ रहा हूं, ये दोनों सेम ऑर्डर में है, बी को आपने यही रखा, ए को इसके पैरेलल डिस्प्लेस कर लिया, नाउ द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल taken in reverse order represent the resultant both in magnitude and direction। आपको तो ये याद रखना है, जैसे जैसे दोनों वेक्टर के बीच में एंगल बढ़ता जाता है तो रिजल्टेंट छोटा होता जाता है, यहां रिजल्टेंट मैक्सिमम इतना बड़ा आ रहा है रिजल्टेंट, और यहां एंगल खूब बड़ा है और रिजल्टेंट बहुत छोटा आ रहा है, ये ध्यान रखिए। इसलिए मैं आपसे पूछता हूं कि दो वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल हो ताकि उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम आए। क्वेश्चन के रूप में लिख दीजिए, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स फॉर द रिजल्टेंट टू बी मैक्सिमम एंड नंबर टू मिनिमम। एक बार मैं
रिजल्टेंट मैक्सिमम चाहता हूं तब एंगल क्या हो, और एक बार मिनिमम चाहता हूं तो एंगल क्या हो। अगर दो वेक्टर्स के बीच में अगर हम मैक्सिमम रिजल्टेंट चाहते हैं तो उनके बीच में एंगल होना चाहिए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तब रिजल्टेंट मैक्सिमम आएगा क्योंकि सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे। और अगर एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर ऐसा है तो इनका रिजल्टेंट मिनिमम आएगा, तब इनके बीच में थीटा 180 डिग्री होगा। हमने तो कहा ही था जैसे जैसे एंगल इनके बीच में जितना कम होगा उनका रिजल्टेंट इतना ज्यादा आएगा, और एंगल जितना ज्यादा होगा रिजल्टेंट उतना कम आएगा। मैक्सिमम के लिए दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 होना चाहिए और मिनिमम के लिए दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 180 होना चाहिए। हालांकि हमारे दिमाग में यह आता है कि जब इनके बीच में एंगल 0 है तो ये ट्रायंगल बना ही कर रहे हैं, ये इस समय सेम डायरेक्शन में है, ये तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। अगर एक 3 है और एक 4 है तो ये डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, आंसर आएगा 7, पर इस समय ट्रायंगल नहीं बना रहे। तो मेरा कहना है कि अगर एक 3 है और दूसरा 4 है और इनके बीच में एंगल मान लीजिए 0.0001 डिग्री का है, तब तो ट्रायंगल बनाएंगे ना। ये 3 है और ये 4 है, अगर ये 0 डिग्री है तब आपको ऑब्जेक्शन आता है कि साहब ये ट्रायंगल तो बना ही नहीं रहे। तो मान लीजिए कि एंगल बहुत ही कम है, ये तो मैंने दिखा दिया बड़ा, पर वैल्यू बहुत छोटी लिखी है, तब तो ट्रायंगल बनेगा ना। हल्का सा भी इनके बीच में एंगल हुआ तब तो ट्रायंगल बन जाएगा ना। अब 0.01 डिग्री का जो एंगल है उसको मैं क्या मैथमेटिकली लिखूं, मैं उसे 0 ही मान लेता हूं। ये बाउंड्री केस है। आप मान लीजिए कि यहाँ पर एंगल है कुछ 0.1 डिग्री है, एंगल 1 डिग्री है, एंड एसेंशियली इनके बीच में एक ट्रायंगल बन रहा है, ये 3 है और ये 4 है, हल्का सा कोई एंगल बन रहा है, तो फिर तो ट्रायंगल बनेगा ही बनेगा ना। ऐसे ही अगर यहाँ भी एंगल 180 डिग्री है तो भी आप कहते हो साहब ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये तो ट्रायंगल बन ही नहीं रहा। तो फिर से मेरा कहना है कि आप अगर ये एंगल 179 डिग्री लेंगे तब तो साहब ट्रायंगल बनेगा ना। आप ये 179.99 लेंगे, इतना लेंगे, तब तो ट्रायंगल बनेगा ना। अब इसको मैं क्या 180 नहीं बोल सकता? तो सिंबॉलिकली मैं बोल रहा हूं कि अगर ये केस होगा तो दोनों वेक्टर एकदम डायरेक्टली ऑपोजिट होंगे। अगर ये 3 है और ये 4 है तो रिजल्टेंट 1 आ जाएगा यहाँ पर, अगर ये 3 है और ये 4 है तो 3 + 4 = 7 आ जाएगा डायरेक्टली सिंपल अलजेब्रा से, क्योंकि सेम डायरेक्शन में और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इधर 1 इधर बचेगा, इधर 3 और 4 मिलकर 7 इधर आएंगे। एंगल जितना कम होगा रिजल्टेंट उतना ज्यादा होगा, और एंगल जितना ज्यादा होगा रिजल्टेंट उतना कम होगा, ये बात पक्की क्लियर है। ओके, इसका मतलब साफ है, इफ टू वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड्स पी एंड क्यू, देयर रिजल्टेंट विल, देयर मैक्सिमम रिजल्टेंट विल बी पी प्लस क्यू एंड देयर मिनिमम रिजल्टेंट विल बी पी माइनस क्यू। उनके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। अगर एक वेक्टर पी है और एक वेक्टर क्यू है तो जब उनके बीच में एंगल 0 डिग्री है तो उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम है और वो पी प्लस क्यू है, और अगर एक वेक्टर पी है और एक वेक्टर क्यू है और जब उनके बीच में एंगल 180 डिग्री है तो उनका रिजल्टेंट मिनिमम है और वो पी माइनस क्यू। इसी बात को हम पढ़ रहे हैं ट्राइंगल इन इनइक्वालिटी से। ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी है, इफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर ऑफ लेंथ पी एंड क्यू, मतलब मैं वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, then the length of the third side of the triangle cannot be greater than p plus q and cannot be less than p minus q. Then the length of third side of the triangle, उसी triangle की बात कर रहे हैं कि p plus q से बड़ा नहीं हो सकता और p minus q से छोटा नहीं हो सकता। और हम जानते हैं third side is the resultant. Triangle the third side is the resultant. Triangle में जो third side है वो resultant है, इसलिए हम resultant के magnitude की बात करें तो दैट लाइज बिटवीन, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो पी माइनस क्यू, वेक्टर पी माइनस वेक्टर क्यू, वेक्टर पी माइनस वेक्टर क्यू, या अभी तो मैं लेंथ की बात कर रहा हूं, सिंपल लेंथ की बात कर रहा हूं, तो मैं सिंपल लिख देता हूं कि आर जो है वो पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू के बीच में लाया करता हूं, यहां सबसे छोटा, यहां सबसे बड़ा, और यहां आर, p minus q is less than r and r is less than p plus q, जिसके तरफ ये दो डंडे हैं वो बड़ा, इसकी तरफ दो डंडे हैं बड़ा, इसकी तरफ एक डंडा है, ये पॉइंट है छोटा, ये दो पॉइंट इसकी तरफ है वो बड़ा है, ये दो पॉइंट है बड़ा है, तो सबसे छोटा यहाँ पे, सबसे बड़ा यहाँ पे, और r बीच में, और ये वाले साइन,
पी माइनस क्यू आर से कम है और आर पी प्लस क्यू से कम है, तो आर लाइज बिटवीन पी माइनस क्यू एंड पी प्लस क्यू। ठीक है, जो मिनिमम होगा दो वेक्टर्स का p और q का, वो उसकी वैल्यू होगी p माइनस क्यू, और जो मैक्सिमम होगी वो p प्लस क्यू होगी। और ये कहना है अगर आपसे कि अगर दो लेंस थ्री है और फोर है, एक लेंस थ्री और एक फोर है, तो उनका जो स्केलर सम है ना, दैट विल ऑलवेज बी सेवन, l1 प्लस l2 विल ऑलवेज बी सेवन, बट वेक्टर l1 प्लस वेक्टर l2 अगर ये वेक्टर फॉर्म में है विल हैव एनी वैल्यू बिटवीन 1 एंड 7, इनकी विल हैव एनी वैल्यू कैन हैव एनी वैल्यू बिटवीन 1 एंड 7 डिपेंडिंग अपॉन द एंगल बिटवीन देम। अगर एंगल मेरी मर्जी का हो, डिपेंडिंग अपॉन द एंगल बिटवीन देम, अगर एंगल मेरी मर्जी का हो तो मैं अरेंज कर सकता हूं 3 और 4 को कि रिजल्टेंट 1 और 7 के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 7 है और इसकी मिनिमम वैल्यू 1 है सब्ट्रैक्ट करके। अगर ये स्केलर्स हैं तो इनका सिंपल एडिशन होगा, 3 प्लस 4 हमेशा 7 ही होगा, पर अगर ये वेक्टर्स हैं तो इनका आंसर, इनका जो रिजल्टेंट है वो 1 और 7 के बीच में कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन के इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या है। एक वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड 3 है, एक वेक्टर बी है, इसका मैग्नीट्यूड 4 है, दोनों एक्स एक्सिस के अलोंग है, आपको रिजल्टेंट बताना है। रिजल्टेंट यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, जो ये दो मिलके कर रहे हैं वो एक अकेला अगर करे तो उसको रिजल्टेंट कहते हैं। अब इसको मेरे को कायदे से लिखना चाहिए 3i क्या, x डायरेक्शन में x डायरेक्शन को i से लिखते हैं, x को x से नहीं लिखते, ये भी है x डायरेक्शन में ही, तो ये हो गया 4i क्या, तो ये आंसर आ गया 7i क्या। अगर 3 इधर होता और 4 इधर होता तो मैं अब रिजल्टेंट को बोलता 3i कैप प्लस 4j क्या, और फिर तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता, क्योंकि एक x एक्सिस के अलावा एक y एक्सिस के अलावा है तो 90 डिग्री का एंगल है, जो मैग्नीट्यूड है वो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर से मिल जाएगा, फिर मैग्नीट्यूड आ जाएगा 5, यहाँ मैग्नीट्यूड 7 था, यहाँ 5 है, हालांकि मैं इसकी डायरेक्शन का डिस्कशन नहीं कर रहा। इसी तरह से अगर वेक्टर a इज इक्वल टू 3 यूनिट्स, यहाँ पे ये सेकंड केस था, ये फर्स्ट केस था, और मान लीजिए थर्ड केस है, और वेक्टर b जो है इसकी वैल्यू है 4, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड है 3 और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड है 4 और ये x एक्सिस ही है, तो आप जानते हैं इस समय जो a प्लस b आएगा उसमें a आएगा 3i कैप और b आएगा माइनस 4i कैप। ठीक है ना, इस डायरेक्शन ये अगर ये प्लस i कैप है तो ये माइनस i कैप है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा माइनस i कैप। पहले हम लोग ज्योमेट्रिकल मेथड लगाते थे, अब ये ज्योमेट्रिकल मेथड नहीं है, अगर i और j आपने चिपका दिए ना तो ये ज्योमेट्रिकल मेथड नहीं बचा। ठीक है, और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखिए कि हम वेक्टर को कभी भी ऐसा नहीं बोलते, माइनस आई कैप में से कभी नहीं कहता, मैं अपने आंसर को माइनस में कभी नहीं देना चाहता, मैं कहता हूं इसका आंसर है 1 यूनिट इन दिस डायरेक्शन। अगर मैं डायरेक्शन अलग से बता दूंगा कि नेगेटिव अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस या अलोंग वेस्ट, तो मैं फिर ये माइनस साइन मुझे लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, मुझे मैग्नीट्यूड बताना है, और अगर डायरेक्शन बताना है, मैंने मैग्नीट्यूड बता दिया और डायरेक्शन बता दिया, तो फिर मैं इस अपने आंसर को माइनस में कभी नहीं दूंगा। अगर डायरेक्शन ये सब नहीं है मेरे पास तो फिर मेरे को ये पूरा बताना पड़ेगा, इससे मुझे अपने आप समझ में आ जाएगा कि आंसर है 1 और डायरेक्शन है ये वाली। अगर आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बता रहे हैं तो फिर आप वेक्टर को कभी भी नेगेटिव साइन के साथ आंसर मत दीजिएगा। तो यहां हमने देखा कि ए और बी का मैग्नीट्यूड 7 भी हो सकता है, ए और बी का मैग्नीट्यूड 5 भी हो सकता है, और ए और बी का मैग्नीट्यूड 1 भी हो सकता है, अगर इनके बीच में कुछ एंगल है तो फिर वेक्टर एडिशन होगा, सिंपल अलजेब्रिक एडिशन नहीं होगा। कंडीशन ऑफ जीरो रिजल्टेंट, इफ थ्री वेक्टर्स एक्टिंग ऑन पॉइंट साइमल्टेनियसली कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर देन द रिजल्टेंट इज जीरो। अगर एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है और तीसरा वेक्टर ये है, एक पॉइंट पे एक साथ तीन फोर्स काम कर रहे थे, एक यहां था, एक यहां था और एक यहां था,
ये वाला वेक्टर था जो थोड़ा एंगल पे था, मान लीजिए एक यहाँ था, तो इस वाले को मैंने यहाँ बना लिया, इस वाले को यहाँ बना लिया और इस वाले को यहाँ बना लिया ऐसा, तो इनका रिजल्टेंट जीरो आ सकता है। सिंपल से और ज्यादा सिंपल बात करें तो केवल इतना ही कहना चाहिए कि अगर तीन वेक्टर्स से हम एक ट्रायंगल बना सकते हैं और हम उनकी डायरेक्शन अपनी मर्जी की ले सकते हैं तो फिर उनका रिजल्टेंट हम जीरो ला सकते हैं। सबसे बेसिक बात यह है, इफ अ ट्रायंगल कैन बी फॉर्म by the lengths of the magnitudes of the three given vectors, agar aap triangle bana sakte hain then their resultant can be zero. aap inki direction variation ki chinta ko chhod hi dijiye, agar hum triangle bana sakte hain aur inki direction hamari marzi ki ho sakti hai तो इन सबको सेम ऑर्डर में ले लेंगे और इनका रिजल्टेंट तब जीरो आ जाएगा। क्वेश्चन है, कैन वी फॉर्म अ ट्रायंगल ऑफ साइड्स 3, 7 एंड 12? तो जो थर्ड साइड, पहली दो साइड्स का जो सम है, जो थर्ड साइड है वो इनके सम से बड़ी नहीं होनी चाहिए और जो थर्ड साइड है वो इनके डिफरेंस से छोटी नहीं होनी चाहिए। तो पहली चेक करते हैं, इनका सम वो 10 है और थर्ड साइड 10 से बड़ी है तो ट्रायंगल नहीं बन सकता। अगर 3, 7 और 1 होता तो क्या मैं इनसे ट्रायंगल बना सकता हूं? अभी भी नहीं बना सकता क्योंकि इनका जो थर्ड साइड है वो दोनों के सम से बड़ी नहीं होनी चाहिए। सम से बड़ी तो नहीं है पर वो इन दोनों के डिफरेंस से छोटी भी नहीं होनी चाहिए। इनका डिफरेंस है 4 और अगर थर्ड साइड इनके डिफरेंस से छोटी है तो भी आप इनकी मदद से आप जो चाहे एंगल ले लीजिए इनके बीच में, आप इनसे ट्रायंगल बना ही नहीं सकते। आप इनसे ट्रायंगल तभी बना पाएंगे जब थर्ड साइड दोनों के सम से छोटी हो या फिर थर्ड साइड दोनों के डिफरेंस से बड़ी हो। इसका जो थर्ड साइड है ना, थर्ड साइड कैन हैव एनी वैल्यू बिटवीन 10 एंड 4, 10, 4 या इनके बीच में अगर कोई भी वैल्यू हो तो हाँ मैं इनसे एक ट्रायंगल बना सकता हूं। और मैं अगर इनसे ट्रायंगल बना सकता हूं तो इनका रिजल्टेंट जीरो भी हो सकता है अगर डायरेक्शंस मेरी मर्जी की हुई तो। कैन द रिजल्टेंट ऑफ 3 फोर्सेस 3 न्यूटन 5 न्यूटन एंड 8 न्यूटन भी जीरो? अगर आप इनसे ट्रायंगल बना सकते हैं, अगर आप इनसे ट्रायंगल बना सकते हैं तो इनका रिजल्टेंट जीरो हो सकता है। अगर मैं 3 और 5 की बात करूं, अगर एक 3 और एक 5 लूं तो जो अगला है वो 8 और 2 के बीच में लाया करना चाहिए। ये 8 और 2 के बीच में लाया करनी चाहिए। अगर 3 और 5 8 है तो तुम ये मत कहना कि साहब इससे आप ट्रायंगल नहीं बना सकते। मैं बिल्कुल इन तीनों से मिलके इसेंशियली ट्रायंगल बना सकता हूँ, मतलब इस समय ऐसे तो आप अरेंज कर ही सकते हो। अगर एक 3 और एक 5 है और एक 8 है, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया और ये 8 हो गया, अब तो आंसर 0 हो गया ना। मान लो ये 3 आई कैप है प्लस 5 आई कैप है प्लस 8 माइनस आई कैप है तो आंसर आ गया ना 0। ये बाउंड्री केस है। हालांकि अगर मैं बीच में 6 लिख देता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती आप। अगर मैं कहता कि इनका रिजल्टेंट 0 हो सकता है तो आप गलती नहीं करते, पर अगर मैंने कह दिया 8 तो ये बाउंड्री केस हो गया। 8 और 2 और उनके बीच की किसी भी वैल्यू के लिए इनका रिजल्टेंट 0 लाया जा सकता है। ये आपको दिख रहा है कि 0 कैसे आ रहा है। बस आप अगर फोर्सेस की बात कर रहे हैं, किसी और वेक्टर की बात कर रहे हैं तो नहीं, पर अगर फोर्सेस की बात कर रहे हैं और एक बॉडी पे नेट फोर्स 0 है तो हम बोलते हैं द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। इफ नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज 0 देन द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी भी आ जाएगी अगली बार से कि ये 3 फोर्सेस दिए हैं, क्या कभी भी इनके इन्फ्लुएंस में कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में हो सकती है? तो अगर उनसे ट्रायंगल आप बना सकते हो तो रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा और रिजल्टेंट फोर्स 0 मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम। तो वो वर्ड वो थोड़ा यूज कर सकते हैं। कहता है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स फॉर देयर रिजल्टेंट टू बी 0? अगर दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैं सेम प्लेन में, टू इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर्स हैं
एक है टू आई कैप, दूसरा है टू माइनस आई कैप, अगर इक्वल है और उनकी डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट है तो इनका रिजल्टेंट जीरो हो सकता है, होगा मतलब इक्वल, मतलब दो वेक्टर्स हमें मिनिमम चाहिए उनका रिजल्टेंट जीरो करने के लिए, कम से कम दो वेक्टर हो इक्वल और ऑपोजिट हो तो उनका रिजल्टेंट जीरो हो सकता है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स फ्रॉम द रिजल्टेंट टू बी जीरो? अगर ये इक्वल और ऑपोजिट है, अनइक्वल मतलब मैग्नीट्यूड में अनइक्वल है, तो फिर अब अगर अगर एकदम एक मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन में ऑपोजिट है तो आंसर जीरो आ जाएगा, पर अगर अनइक्वल है, एक इधर टू है और एक इधर फाइव है, तो आंसर जीरो नहीं आ सकता। अब आंसर जीरो लाने के लिए आपको कम से कम एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। अगर आप इनसे ट्राइंगल बनाएंगे, मे बी कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, मिनिमम तीन वेक्टर होंगे तो उनका रिजल्टेंट जीरो आएगा। ये इसका और इसका कुछ आएगा, जैसे मैंने शुरू में पढ़ाया था डेरिवेशन में कि ये आर है, अब थर्ड वेक्टर इनका रिजल्टेंट ये है और एक थर्ड वेक्टर थर्ड साइड ट्रायंगल की यहाँ आ जाए, तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल कर देंगे, है ना। अगर ये वेक्टर है ए बी और ये वेक्टर बी सी है, तो जो आर है वो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी है, ये इनका आर है। अब अगर मैं सी ए बी इसमें ऐड कर दूं, अगर मैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकालना चाहता हूं, तो ए बी प्लस बी सी तो हो गया आर, तो जो मैं निकाल रहा हूं वो है आर प्लस सी ए, तो है आर माइनस आर, क्योंकि ए सी समय रिजल्टेंट है। तभी यहां अगर तीनों ऐसे बन रहे हैं तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा ये, और तीसरा ऐसा है तो ये और ये मिलके एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो मिनिमम तीन वेक्टर हो तो उनका रिजल्टेंट जीरो हो सकता है। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स? अभी हमने क्या किया था, ट्रायंगल बना लिया था, तो इन दो का रिजल्टेंट तो जीरो नहीं था, पर थर्ड अगर ऐसा कर दे, थर्ड अगर ऐसा कर दें तो इन तीन का आंसर जीरो आ सकता है, पर ये एक ही प्लेन में लाए कर रहा है। अब उसने बोला कि नॉन कोप्लेनर होने चाहिए, एक ही प्लेन में नहीं होने चाहिए चार सारे के सारे। एक वेक्टर में यहाँ एक्स एक्सिस के अलोंग ले लेता हूं, एक वेक्टर में एक्स एक्सिस के अलोंग ले लेता हूं, और एक वेक्टर में वाई एक्सिस के अलोंग ले लेता हूं, फिर एक वेक्टर में जेड एक्सिस के अलोंग ले लेता हूं। एक्स और वाई ने तो प्लेन बना लिया, सपोज वेक्टर एक्स डायरेक्शन में, तो जो एक्स और वाई वाला है उन्होंने तो प्लेन बना लिया, ये में भी एक्स है और ये वाई है, ये एक्स है और ये वाई है, तो एक्स वाई ने तो एक प्लेन बना लिया। अब इनके परपेंडिकुलर यहां ले आओ तब ये नॉन कोप्लेनर होंगे, अगर जेड में यही ले लेता तो फिर एक ही प्लेन में आ जाते। अभी ये एक एक्स है और ये वाई है, ये वाई है, और अब जेड ऊपर ले जाओ, ये एक्स है ये वाई है और जेड ऊपर ले गए, तो ये नॉन कोप्लेनर है। अब इनका कोई तो रिजल्टेंट आ रहा होगा ना, आप इनको जोड़ दो, एक एक्स है एक वाई है एक जेड है, तो इनका कोई तो रिजल्टेंट आ रहा होगा ना। अब जितना इनका रिजल्टेंट आ रहा है उतना यहां से आप एक फाइनल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट था, अब आप इनको वापस यहीं ले आइए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार से जीरो हो गया ना। आपने जहां से स्टार्ट किया था आप वापस वहीं आ गए, आप पहले कुछ एक्स में गए थे, फिर आप मे बी वाई में गए थे, फिर आप जेड में गए थे, तो आप यहां से पहले यहां गए फिर यहां गए फिर यहां गए, यहां से यहां गए फिर यहां गए फिर यहां गए, तो ये इनिशियल है और ये फाइनल है। फाइनल से इनिशियल एक वेक्टर ज्वाइन कर दो, इनका इनका कोई तो रिजल्टेंट आएगा ना इन तीन का, नॉन कोप्लेनर चाहिए, एक्स और वाई ने तो प्लेन बना लिया, तो नॉन कोप्लेनर के लिए मैंने यहां लिया, और इन तीन का कोई तो रिजल्टेंट आएगा ना, बस उल्टा उसको यहां ज्वाइन करा दो तो रिजल्टेंट जीरो आ जाएगा। तो अगर नॉन कोप्लेनर की बात कर रहे हैं तो फिर कम से कम चार वेक्टर होने चाहिए, अगर नॉन कोप्लेनर की बात कर रहे हैं तो कम से कम चार वेक्टर होने चाहिए। अगर वो बोल रहा है मिनिमम वेक्टर्स और कोई कंडीशन नहीं दे रहा है तो जीरो, जीरो होने के लिए टू वेक्टर्स। अगर वो कह रहा है अनइक्वल है मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है तो कम से कम थ्री वेक्टर्स। और अगर वो कह रहा है एक ही प्लेन में मत लाए लो, ट्रायंगल ले रहे हो तो सारे तीनों एक ही प्लेन में लाए कर रहे हैं,
अगर नॉन कोप्लेनर होने चाहिए तो फिर कम से कम चार वेक्टर्स हों, उनका रिजल्टेंट जीरो आएगा। ऐसे ही किसी पॉइंट पे पांच वेक्टर, छह वेक्टर, सात वेक्टर भी काम कर सकते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने चार वेक्टर्स का रिजल्टेंट जीरो बताया। अगर दो वेक्टर्स आपको ऐड करने हैं तो आप ट्राइंगल लॉ से कर सकते हैं और उनका जो रिजल्टेंट है वो एक थर्ड थर्ड वेक्टर हो गया। तो अगर तीन वेक्टर की आप बात कर रहे हैं तो आप ट्राइंगल से कर सकते हैं, और आपको अगर मेनी वेक्टर्स ऐड करने हैं तीन से ज्यादा, चार पांच छह, तो हम लेते हैं फिर पॉलीगॉन लॉ। ओके, पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स की डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ वेक्टर्स एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ पार्टिकल, एक पार्टिकल पे एक साथ कई वेक्टर्स काम कर रहे हैं, अगर हम उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय साइड्स ऑफ पॉलीगॉन टेकन इन ऑर्डर, इंपॉर्टेंट बात है टेकन इन ऑर्डर, देन द रिजल्टेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली इन बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगॉन टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, ट्राइंगल लॉ से हम करते हैं टू वेक्टर्स, हमने पढ़ा था यहाँ पे ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, अब हम पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मेनी वेक्टर्स पढ़ रहे हैं, काफी सारे वेक्टर्स हो सकते हैं, कई सारे वेक्टर्स, जैसा कि हमने इसके पहले किया था, एक एक्स में था, एक वाई में था, एक जेड में था, और फिर चौथा, मतलब ये चार पांच छह वेक्टर, जरूरी नहीं कि सेम प्लेन में हो, ये स्पेस में भी हो तो भी चले, हमारा पॉलीगॉन स्पेस में बनेगा, जरूरी नहीं कि सेम प्लेन में हो, नॉन कोप्लेनर भी हो तो भी जो क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगॉन होगी टेकन इन रिवर्स ऑर्डर वो हमेशा रिजल्टेंट बताएगी, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। सपोज एक पार्टिकल है ओ और इस पे कई सारे फोर्सेस एक साथ काम कर रहे हैं और हमें इनका रिजल्टेंट निकालना है पॉलीगॉन लॉ से। सबसे अच्छा तरीका तो वैसे कायदे से ये है कि अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो इंक्लाइंड वेक्टर्स को रिजॉल्व करिए और सबको आई और जे और के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दीजिए, और उसके बाद तो सारे आई आई वाले टर्म्स एक साथ पेयर करके ऐड कर दीजिए, फिर जे जे वाले ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। और खैर अभी तो ज्योमेट्रिकल मेथड है, ये भी एक ज्योमेट्रिकल मेथड है, तो पहले तो मैं इस पार्टिकल पे ओ पे ए बनाता हूँ, फिर मैं इस पे बी बनाता हूँ, इस डायरेक्शन में थोड़ा छोटा फोर्स दिखाया है, ये बी है, फिर सी थोड़ा बड़ा है, यहाँ पे सी ऐसा है, फिलहाल चलिए मान लीजिए सब सेम प्लेन में है, और इसके बाद डी यहाँ आ रहा है, डी थोड़ा ऐसा आ रहा है, बिल्कुल इसके पैरेलल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, या तो नाप के बना लेते हैं कितना बड़ा है, फिर ई जो है एकदम यहाँ चला गया, ई यहाँ चला गया, ई ये चला गया, और एफ जो है थोड़ा सा एंगल के ले लेते हैं, चलिए एफ यहाँ चला गया, सपोज ये एफ ऐसा है, एकदम हॉरिजॉन्टल तो नहीं है, एकदम हॉरिजॉन्टल तो नहीं है, सपोज ये एफ ऐसा है, ये एफ, अब हमको इनका रिजल्टेंट बताना है, तो बस ओ से एफ ये रिजल्टेंट है, बात खत्म। क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगॉन टेकन इन रिवर्स ऑर्डर, ये क्लोजिंग साइड है, अभी ये पॉलीगॉन इससे कंप्लीट नहीं हो रहा था, इससे अब कंप्लीट हो गया, बट ये ऑपोजिट ऑर्डर में आना चाहिए। रिवर्स ऑर्डर वाली बात मैं आपको पहले पर्याप्त डेरिवेशन से समझा चुका। चलिए अब हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, और पहली प्रॉपर्टी है कि वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब होता है टू ऑल्टर, कम्यूट का मतलब होता है टू ऑल्टर, कम्यूट इज टू ऑल्टर। अगर हम ऑर्डर रिवर्स कर देंगे ना, कम्यूट का मतलब यह है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, ये अगर आप ऑर्डर रिवर्स कर देंगे तो इट वॉन्ट मेक अ डिफरेंस, बस हमें पता होना चाहिए, डेरिवेशन काम का नहीं है, आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, सपोज ये ए है और ये बी है तो ये रिजल्टेंट है। अब अगर मैं इसकी इक्वेशन तो यही आएगी कि ए प्लस बी इज इक्वल टू आर, ठीक है ना, अब मैं काम कर सकता हूँ इस बी को उठा के यहाँ ला सकता हूँ, मैं बी प्लस ए करना चाहता हूँ एक्चुअली, तो बी को तो यही रहने दीजिए, ए को उठा के यहाँ ले जाइए, अब बी को तो यही रहने दीजिए, ए को यहाँ से उठा के यहाँ ले जाइए, बिकॉज यू नो दैट अ वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस पैरेलल टू इटसेल्फ, ठीक है, मैं बी को तो यही रहने देता हूँ, ए को मैं उठा के यहाँ ले गया, तो ये चीज अभी भी सेम ही आएगी,
राइट एंगल ट्राइंगल में आप और आसानी से समझ सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में और आसानी से समझ सकते हैं कि ये ए है और ये बी है और ये आर है। तो इस समय ए प्लस बी आर है, ए प्लस बी आर है। अब अगर मैं बी को तो यही रहने दू, बी को यही रहने दू और ए को उठा के मैं यहां ले आऊ, ए को उठा के मैं यहां ले आऊ, तो ये अब यही सेम चीज आर बन रही है। ऑर्डर को हम रिवर्स कर सकते हैं, एडिशन में बी प्लस ए हो या ए प्लस बी हो, वेक्टर्स फॉर्म में एक ही बात है, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, कम्यूटेट कम्यूट का मतलब होता है टू ऑल्टर, ऑल्टर और रिवर्स। आप एडिशन में, वेक्टर एडिशन में ऑर्डर को रिवर्स कर सकते हैं, ए प्लस बी को आप बी प्लस ए कह सकते हैं। अगर ऐसा ए है और ऐसा बी है तो ये रिजल्टेंट है, अगर आप बी को यही रहने दें और ए को यहाँ ले आए तो भी रिजल्टेंट सेम होगा। तो यहाँ आ रहा है ए प्लस बी इज इक्वल टू आर और यहाँ आ रहा है बी प्लस ए इज इक्वल टू आर। तो ऑर्डर को रिवर्स किया जा सकता है एडिशन में, वेक्टर एडिशन में, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। अब हम पढ़ रहे हैं वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी। ऐसे एसोसिएशन आप थोड़े थोड़े चेंज कर सकते हैं, एसोसिएशन चेंज कर सकते हो। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है और सपोज ये डी है, सपोज ये डी। तो इस समय तो मुझे दिख रहा है ए प्लस बी प्लस सी जो है वो वेक्टर डी के बराबर है। तो पहले मैं बी प्लस सी को अगर लेता हूँ तो अलग डायग्राम बना लेता हूँ, ए है इधर बी आएगा इधर सी आएगा, यहाँ मैं बी प्लस सी बना सकता हूँ ऑपोजिट ऑर्डर में। तो ये बी प्लस सी हो गया और ये डी आ गया। इस समय वेक्टर डी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। पहले मैंने बी और सी को ऐड कर लिया तो ये आया। अब मैं ए और बी को ऐड करता हूँ, अगर मैं ए और बी को ऐड करूंगा तो ये आएगा। अब इन दोनों को ऐड में करूंगा ना, ये वेक्टर ए प्लस बी। अब मैंने इनका पहले पेयर बना लिया। अब इस ट्रायंगल में अगर मैं देखूंगा, इस ट्रायंगल में मैं देखूंगा ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है और ये वेक्टर डी है, तो इक्वेशन तो वही आएगी। अब ए प्लस बी का आपने पहले पेयर बना लिया तो बाद में सी कर लिया, एसोसिएशन आप चेंज कर सकते हैं। पहले इनका आपस में एसोसिएशन था तो पहले ये दोनों ऐड हो गए और ये बाद में ऐड हुआ, फिर हमने एसोसिएशन चेंज कर दिया, ए और बी को पहले ऐड कर दिया और उनके रिजल्टेंट में सी को ऐड कर दिया, आंसर तो सेम ही आ रहा है, इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी ओबे करता है। वेक्टर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव इफ द टर्म आउटसाइड द ब्रैकेट इज अ स्केलर। अगर मैं बोल रहा हूं एक वेक्टर है आई प्लस टू जे और इसको मैं थ्री से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये स्केलर है, कोई वेक्टर आर है जो कि ऐसा है, तो मैं सिर्फ 3i प्लस 6j लिख सकता हूं। अब ये मैंने इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैं इसे डिस्ट्रीब्यूटिव कह रहा हूं, पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है, इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव इफ द टर्म आउटसाइड द ब्रैकेट इज अ वेक्टर। अगर ये ऐसा है वेक्टर आर है, वेक्टर ए टू बी प्लस सी ऐसा है सपोज, तो आप इसे ऐसा नहीं लिख सकते वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी, वेक्टर फॉर्म में आप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, ये इक्वल नहीं। सपोज आर ऐसा है पर ये इसके बराबर नहीं है, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन अभी हमने सीखा भी नहीं है, पर वेक्टर फॉर्म में अगर कोई चीज बाहर है तो आप उसे ऐसे सिंपली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं लगा सकते। हम डिस्कस कर रहे हैं पोजिशन वेक्टर इन स्पेस। अगर हम ऑलरेडी x, y, z एक्सिस डिफाइन कर चुके हैं और ओरिजिन भी डिफाइन कर चुके हैं, कहीं यहाँ x है, कहीं यहाँ y है, कहीं यहाँ z है, ओरिजिन भी डिफाइन कर चुके हैं, और फिर ये O है और एक कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y, z है, स्पेस में कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन के रिस्पेक्ट में x, y, z है, तो मैं जो वेक्टर OP है उसे कहूंगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और आप ये भी जानते हैं वेक्टर ओपी का अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, थ्री डी वेक्टर है, तो वही आता है जो क्यूबॉइड के डायगोनल की लेंथ आती है, वेक्टर ओपी का मैग्नीट्यूड, ऐसे लिखना जरूरी है, खाली ओपी, सॉरी ऐसा।
अगर ओपी लिखा है और ये वेक्टर साइन लगाया है तो ये वेक्टर है, इसी वेक्टर में आई जे के होते हैं, और ये या ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड में आई जे के नहीं होते। इसमें तो मैग्नीट्यूड भी है और आई जे के कारण इसकी डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन भी इसमें कंटेंट है, पर मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। पोजिशन वैक्टर का वैक्टर फॉर्म देख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट वैक्टर इन स्पेस, मान लीजिए ये ओरिजिन है, पार्टिकल पहले पी वन पे था, अब पी टू पे चला गया, यहाँ इसके कोऑर्डिनेट्स थे एक्स वन कॉमा वाई वन कॉमा जेड वन, और अब इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स टू कॉमा वाई टू कॉमा जेड टू। ये पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन थी और ये पार्टिकल की फाइनल पोजीशन है। मुझे ये दिया गया है उसने वेक्टर आर वन के नाम से, और ये दिया है मुझे वेक्टर आर टू के नाम से। तो जो आर वन है वो है एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप, जेड वन के कैप, जेड को ऐसा कट कर देते हैं। ऐसी जो वेक्टर आर टू है वो है एक्स टू आई कैप पोजिशन वेक्टर उसका प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप। अब मुझे एक्चुअली ये निकालना है डिस्प्लेसमेंट, से मैं वेक्टर एस कह देता हूं। तो अब अगर मैं ट्राइंगल लॉ लगाऊ, अब अगर मैं ट्राइंगल लॉ लगाऊ तो वेक्टर ओ पी प्लस वेक्टर पी वन पी टू इज इक्वल टू वेक्टर ओ पी टू ओ पी वन, ये प्लस ये इज इक्वल टू ये ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन से। इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्प्लेसमेंट है, जो पी वन पी टू है, आप पी वन से पी टू गए हैं, वो ओ पी टू माइनस ओ पी वन, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। इसका ये ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन आपको करना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो वेक्टर के फॉर्म में फाइनल माइनस इनिशियल करिए। इसे मेरे को आगे लिखने से कोई फायदा नहीं होगा तो मैं आगे नहीं लिख रहा, यही छोड़ रहा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है तो फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन, फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन, और उसकी डायरेक्शन होती है। वेक्टर निकालने का तो तरीका ये है, वेक्टर फॉर्म में फाइनल पोजिशन माइनस वेक्टर फॉर्म में इनिशियल पोजिशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देगा, पर ध्यान दीजिए इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, चार स्टार दे दीजिए, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज from initial position to final position। आप पहले यहां थे और फाइनली यहां है, किसी भी रास्ते से कैसे भी हैं, आप पहले यहां थे और फाइनली यहां है, डिस्प्लेसमेंट इसको कहते हैं। मैग्नीट्यूड निकालना हो तो r2 टू माइनस आर वन, वेक्टर फॉर्म में वेक्टर r2 टू माइनस वेक्टर आर वन है, पर डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। यहां पे भी ट्राइंगल लॉ अप्लाई हुआ डिस्प्लेसमेंट निकालने में, क्योंकि वेक्टर दिस प्लस वेक्टर दिस इज इक्वल टू वेक्टर दिस। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ध्यान दीजिए कि अगर ये वेक्टर एक ऐसा हो और ये एक वेक्टर ऐसा हो तो ये जो एंगल होता है ना, ये एंगल नहीं कहलाता, ये एंगल नहीं कहलाता। स्मॉलर, इसकी डेफिनेशन ये है, smaller of the two angles, when the two vectors are placed head to head or tail to tail, काफी important है। इस समय तो एक का जहां head है वहां दूसरे की tail, इनको हम सेम ऑर्डर में लाते हैं अगर हमें ट्रायंगल लॉ से इनका रिजल्टेंट निकालना है तो, बट अदरवाइज फॉर ऑल पर्पसेस दिस इज नॉट डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अगर ये एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है तो मुझे बी को उठा के यहां ले आना चाहिए, इसके पैरेलल में वेक्टर को डिस्प्लेस कर सकता हूं। अब इनके बीच में दो एंगल है, तो ये छोटा और एक ये बड़ा, ये छोटा अगर 30 डिग्री है तो ये 330 डिग्री है। ये जो एंगल है ये इन दोनों के बीच का एक्चुअली एंगल कहलाता है। आप एक वेक्टर को दूसरे के इस तरह से डिस्प्लेस वन ऑफ द वेक्टर्स, डिस्प्लेस वन ऑफ द वेक्टर्स
parallel to itself. Thus, displace one of the vectors parallel to itself. अगर नहीं है तो, अगर इस फॉर्मेट में नहीं है तो एक वेक्टर को उठा के यहां ले आइए, या तो बी को उठा के यहां ले आइए, या बी को वही रहने दीजिए, ए को उठा के यहां ले आइए, अभी भी चले। अब क्या टेल टू टेल तो मिल रहा है, हेड टू हेड तो मिल रहा है ना, बी को तो यही रहने दीजिए, ए को उठा के आप यहां ले आइए। अगर आपको दोनों के बीच में एंगल जानना है, देखो ट्राइंगल लॉ में तो मैं यही ऐसे ही बनाता था, सेम ऑर्डर में लेना था मुझे, तो एक के हेड को दूसरे के टेल पे रखता था, पर बाकी सारे पर्पजेस के लिए हम ये ऐसा का बहुत कम करेंगे, ट्राइंगल लॉ बहुत ज्यादा अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा क्रिएटिविटी चाहिए, और एंड दैट इज दिस इज प्रोन टू सिली मिस्टेक। एग्जाम हॉल में इस मेथड में सिली मिस्टेक होगी तो जहां तक हमारे लिए पॉसिबल होगा हम ट्राइंगल मेथड को अवॉइड करें। कोई ट्राइंगल बनाते थोड़ी बैठेंगे हॉल में आओ और आप इसकी लेंथ नापेंगे। सिर्फ ट्राइंगल मेथड में वेक्टर्स को ऐसे अरेंज करते हैं जहां एक का हेड होता है और उसके ऊपर दूसरे की टेल लेते हैं, अदरवाइज टेल टू टेल यहाँ मिला दिया या हेड टू हेड यहाँ मिला दिया, या तो ये एंगल नाप लीजिए या ये एंगल नाप लीजिए, स्मॉलर आर द टू एंगल्स व्हेन द वेक्टर्स आर प्लेस्ड हेड टू हेड और टेल टू टेल। अगर ऐसे नहीं है तो किसी एक वेक्टर को स्वयं के पैरेलल डिस्प्लेस करिए और इस फॉर्म में रीअरेंज करिए, तब जो छोटा वाला एंगल होगा उसे हर कैलकुलेशन के लिए थीटा लिया जाएगा। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और जैसा कि आपको दिखाया है जो एंगल आपको दिख रहा है वो 120 डिग्री है। अब आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल बताना है। ओके, ये एंगल दिख रहा है मुझे 120, पर शायद जिसे हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कहते हैं वो 120 नहीं, क्योंकि उसकी शर्त ये है कि हेड टू टेल अरेंज ना हो, हेड टू हेड हो या टेल टू टेल हो। मैं इसको उठा के यहाँ ले आता हूँ, ये ए है, ये बी को उठा के मैं यहाँ ले आया, ये एक्चुअली तो मेरा एक पैरेललोग्राम बन रहा है। अब ये वेक्टर बी है, इसके पैरेलल अगर मैं इसको डिस्प्लेस कर लूंगा तो एक ये पैरेललोग्राम बन सकता है, और उसमें ये एंगल 120 है तो ये एंगल बचा हुआ सप्लीमेंट्री एंगल 60 हुआ, टोटल एंगल 180 हो जाना चाहिए। ए और बी के बीच में ये जो एंगल है वो 60 है। एंगल अगर जानना हो तो हेड टू हेड रीअरेंज करो या टेल टू टेल रीअरेंज करो और फिर एंगल नापो। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जो फॉर्मूला लगता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, उसमें यही वाला थीटा यूज होता है। एक क्वेश्चन है कि थ्री वेक्टर्स ए बी एंड सी आर सच दैट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी and their magnitudes are in the ratio 5 to 4 to 3. फिर अब हमें एंगल्स निकालने हैं, ए और बी के बीच में, बी और सी के बीच में, और सी और ए के बीच में। चलिए, क्या है कि ये अगर वेक्टर ए बी प्लस सी है, ये तो 3 4 5 ट्रायंगल मुझे दिख ही रहा है, तो शायद एक बी है, चलो मैं ये बी ले लेता हूँ, ये सी ले लेता हूँ, और ये ए ले लेता हूँ। तो अगर ए फाइव है, अगर ए फाइव है तो बी फोर है और सी थ्री है, क्योंकि तभी ए इक्वल टू बी प्लस सी हो रहा है, और ये रेशियो इसी ऑर्डर में लेना पड़ेगा, ये फाइव, ये फोर और ये थ्री। अब ये सबसे सबसे बड़ी साइड के सामने एंगल 90 डिग्री, फिर ये सबसे छोटी साइड के सामने एंगल 37 डिग्री, ये 3 4 5 ट्राइंगल हम जानते हैं, और ये एंगल 4 के सामने वाला एंगल थोड़ा बड़ा वाला 53 डिग्री। अब मेरे को पहले ए और बी के बीच निकालना है, तो ए और बी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये दोनों के टेल मिल रहे हैं एक जगह, तो जो आंसर है बस वही डायरेक्ट है आंसर, जो दिख रहा है आपको वही आंसर भी है। बी और सी की अगर बात करूं मैं, बी और सी की बात करूं तो मेरे को अब सी तो यहां है, ये बी का हेड और सी का टेल मिल रहे हैं, बी को मैं खुद के पैरेलल डिस्प्लेस कर देता हूं, तो ये एंगल 90 था, तो ये भी एंगल 90 हो गया, बी को मैं यहां ले आया, ये 180 माइनस 90 हो गया, ये एंगल हो गया 180 माइनस 90 जो कि हो गया 90। और अब सी और ए की बात कर रहा हूं तो इसमें भी ये प्रॉब्लम है, ये ए ऐसा है क्योंकि ए को उसने बोला ना बी प्लस सी, ये बी है, ये सी है, ये ए है,
एक ही डायरेक्शन पहले बनानी चाहिए थी मुझे। अब यहाँ पे भी कुछ करना ही नहीं है, ये दोनों हेड टू हेड मिल रहे हैं, यहाँ टेल टू टेल मिल रहे हैं, यहाँ हेड टू हेड मिल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही डायरेक्ट आंसर है, कुछ नहीं करना। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, इफ इन द अबव क्वेश्चन, अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी जीरो हो, वही 3 4 5 ट्रायंगल है, देन फाइंड द एंगल्स। ए 5 था, बी 4 था और सी 3 था, 5 4 3 के रेशो में थे ये। इन द अबव क्वेश्चन, इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0, फाइंड द एंगल्स, ये 5 4 3 के रेशो में थे, तो सब वही है, सब वही है, पर बस डायरेक्शन बदल गई है। ये वेक्टर ए है जो जिसका मैग्नीट्यूड 5 है, ये वेक्टर बी है जिसका कि मैग्नीट्यूड 4 है, और ये वेक्टर सी है जिसका कि मैग्नीट्यूड 3 है। अगर मैं पहले ए बी की बात करूं, अगर ए बी की बात करूं, तो इसका ए का यहाँ हेड है और बी की यहाँ टेल है, तो मैं ए को ऐसा ले आता हूं, अब मुझे ये एंगल लेना पड़ेगा, ये पूरा था 180, ये दोनों मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं, 3 के सामने था 37, तो ये जो एंगल मुझे चाहिए ना ए और बी के बीच में, अब ये ए है, मैंने ए को अपने पैरेलल डिस्प्लेस कर लिया खुद ही के अलावा, तो ये मुझे एक्चुअली एंगल चाहिए, और ये है 180 माइनस 37, 140 होता अगर 40 माइनस करता तो ये थोड़ा ज्यादा होगा, आंसर होगा 143। अब मैं बी और सी की बात करता हूँ, अगर बी और सी के बीच में बात करता हूँ, तो फिर वही बात आ गई कि अभी बी का जो हेड है और सी की टेल है, इसको ऐसे बढ़ाओ, ऐसे बढ़ाओ, तो ये भी आ गया 180 माइनस अंदर का एंगल, लीनियर पेयर बना रहे 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90। और थर्ड है सी ए, सी ए में भी अब ये प्रॉब्लम है कि जहाँ सी का हेड है वहां ए की टेल है, तो इसको इसको इसके पैरेलल उठा दो, सी को यहाँ उठा दो, अभी यदि ये 37 है तो ये 53 है, बड़ी साइड के सामने का एंगल बड़ा होता है, ये 53 है और ये पूरा एंगल 180 है। अब इस समय ए की टेल और बी की टेल मिल रहे हैं, टेल को टेल मिलाओ या हेड टू हेड मिलाओ, जो आपको एंगल चाहिए वो 180 माइनस 53 है। अगर मैं इसे 50 माइनस करता तो ये 130 आता, और 3 माइनस करना पड़ेगा तो ये 127 डिग्री आए। साइड्स तो वही थी 3 4 5, पर डायरेक्शंस बदल गई थी, पहले उसने ए को बोला था बी प्लस सी, अब बोल रहा है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो डायरेक्शंस बदल गई। हमें एंगल निकालने के लिए हेड टू हेड चाहिए या टेल टू टेल चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि दो वेक्टर्स हैं का मैग्नीट्यूड सेम है, दे आर अरेंज एज शोन, अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेड। ये केसेस हैं, ये सब का हमने ट्रायंगल कंप्लीट कर लिया, थर्ड साइड का ट्रायंगल इज द रिजल्टेंट, यहां साइड सबसे बड़ी आ रही है, यहां सबसे छोटी। बेस्ट तरीका ये है कि आप ट्रायंगल लॉस एंड न्यूमेरिकल को एक्चुअली मत करिए, आप दोनों के बीच में एंगल ढूंढिए। ये एंगल दिख रहा है 60, और जब मैं इसको यहाँ ले जाऊंगा तो ये 120 हो जाएगा, तो R2 जो है वो 120 है, थीटा 2 जो है 120 है, थीटा 1 जो है वो 90 डिग्री है, यहाँ बनाया था मैंने इसको उठा के यहाँ ले आया, पर मुझे एंगल चाहिए तो टेल टू टेल या हेड टू हेड, थीटा 1 90 है और थीटा 3 दिख रहा है 120, पर इसको पैरेलल इसके यहाँ ले जाऊंगा तो ये एंगल आएगा 60। और अब बस ये रूल्स के तहत आंसर दीजिए कि जब दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल जितना कम होता है रिजल्टेंट उतना ज्यादा होता है, एंगल यहाँ दोनों के बीच में सबसे कम है तो इसका रिजल्टेंट सबसे ज्यादा है, R3 सबसे बड़ा है, ये एंगल सबसे ज्यादा है तो इसका रिजल्टेंट सबसे कम आएगा। जैसे जैसे दो वेक्टरों के बीच में एंगल बढ़ता जाता है रिजल्टेंट कम होता जाता है, इसे दो वेक्टरों के बीच का एंगल नहीं कहते, इसे दो वेक्टरों के बीच का एंगल नहीं कहते, क्योंकि यहाँ एक का हेड है और दूसरे की टेल है, इसको सरका के यहां रखिए या इसको सरका के यहां रखिए, ये
इसको उठा के यहां रख दीजिए, अभी इसका भी हेड और इसका भी हेड मिल रहा है, हेड टू हेड जहां मिल रहा है उसे एंगल कहते हैं। अगर इस डेफिनेशन के तहत आप एंगल्स की लिस्ट बना लेते हैं तो उसके बाद हमारा रूल क्लियर है कि जैसे जैसे दो वेक्टरों के बीच में एंगल बढ़ता जाता है रिजल्टेंट कम होता जाता है। जब दो वेक्टर्स ऐसे हैं तो रिजल्टेंट मैक्सिमम है ए प्लस बी, अब एंगल कम हो, एंगल बढ़ गया तो रिजल्टेंट थोड़ा कम हो जाएगा और कम हो जाएगा, इसके बाद तो एक्चुअली वेक्टर सब्स्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है। अगर एंगल इतना हो गया ना तो इफेक्टिवली वेक्टर सब्स्ट्रैक्शन है तो रिजल्टेंट छोटा आना शुरू हो जाता है, और अगर दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाए तो फिर रिजल्टेंट तो मिनिमम आ जाता है। जिसे आप एंगल कहते हैं, जिसे एंगल कहते हैं हेड टू हेड वाला या टेल टू टेल वाला, उसके लिए रूल है कि जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है रिजल्टेंट छोटा होता जाता है। साफ में है तो रिजल्टेंट मैक्सिमम है, और उल्टे होते जा रहे हैं तो रिजल्टेंट कम होता जा रहा है। So that is all for now. Thank you.